दोस्तों अभी हाल ही में भारत के तेजस को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर शायद ब्रिटेन खून के आंसू रोने वाला है। एलसीए तेजस में लगे ब्रिटेन मेड सीट इजेक्शन सिस्टम को रिप्लेस करके अब भारत इनमें रशिया में बने सीट इजेक्शन सिस्टम को लगाने जा रहा है। यानी कि हर साल ब्रिटिश सीट इजेक्शन के नाम पर जो पैसा भारत ब्रिटेन को देता था वो सारा पैसा अब भारत रशिया को देगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है फॉकलैंड आइलैंड को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच चली आ रही दुश्मनी। अब हुआ क्या है कि पिछले कई महीनों से अर्जेंटीना भारत से तेजस को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन इस डील को ब्रिटेन के नो ऑब्जेक्शन के बिना पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलसीए तेजस में ब्रिटिश कंपनी का जो सीट इजेक्शन लगा हुआ है उसे मार्टिन बेकर नाम की एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तैयार करती है। और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई देश अपने हथियारों को बनाने में किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी या उनके कंपोनेंट को यूज करता है तो उसे उस हथियार को एक्सपोर्ट करने से पहले उन सभी देशों की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन अर्जेंटीना के साथ अपनी पर्सनल दुश्मनी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन ने भारत की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था और आज भी ब्रिटेन अर्जेंटीना को तेजस एक्सपोर्ट करने की परमिशन को ब्लॉक किए बैठा है। और एक लंबे समय के इंतजार के बाद अर्जेंटीना ने खुद को इस डील से बाहर कर लिया है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी और साथ ही इससे भारत को कई बिलियन डॉलर्स कमाने का मौका भी मिलने वाला था। ब्रिटेन के एटीट्यूड को देखते हुए अब आखिरकार भारत ने ब्रिटेन के सीट इजेक्शन सिस्टम को निकाल कर नए ऑप्शन को फाउंडेड करना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत रशियन सीट इजेक्शन सिस्टम बनाने वाली कंपनी जेएससी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बातचीत शुरू करने वाला है। जेएससी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सीट इजेक्शन सिस्टम क्वालिटी में ब्रिटेन के सीट इजेक्शन सिस्टम की तरह ही होंगे, लेकिन दोनों के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसमें भारत को काफी फायदा होगा। ब्रिटेन के एक सीट इजेक्शन सिस्टम की कॉस्ट लगभग $4 लाख के बराबर है, जबकि यही सेम सीट रशिया भारत को $3.5 लाख में देने के लिए तैयार है। इसके अलावा रशिया कभी भी भारत को नो ऑब्जेक्शन के लिए ऐसे परेशान नहीं करेगा, बल्कि उल्टा रशिया भारत को इन सीट के ज्यादा ऑर्डर्स देने पर इन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का भी ऑफर दे रहा है। जैसे रशिया ने भारत में अपने फाइटर जेट्स के लिए एक अलग से प्रोडक्शन यूनिट खोलकर भारत को दी थी, ठीक वैसे ही। और भारत में प्रोडक्शन होने के बाद अगर कोई देश भारत से इन सीट को अलग से परचेज करना चाहे तो उसमें भी रशिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वक्त रशिया $1 की तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में इससे रशिया की काफी बड़ी मदद हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन को इससे जो नुकसान होगा वो शायद ब्रिटेन कई सालों तक हजम नहीं कर पाएगा। एक एस्टिमेट के हिसाब से भारत लगभग 1000 से भी ज्यादा तेजस के प्रोडक्शन के बारे में प्लानिंग में लगा है, और ये तो वो एयरक्राफ्ट थे जिनके बारे में भारत अभी प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा मलेशिया, फिलीपींस, इजिप्ट और बोत्सवाना जैसे देश अलग से भारत को तेजस के ऑर्डर देने में लगे हैं। तेजस के अलावा भारत एमका जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है, और जब उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी तो भी भारत को सीट इंजेक्शन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर देखें तो इससे ब्रिटेन को होने वाला नुकसान कई बिलियंस तक भी जा सकता है। इससे ब्रिटेन की इस कंपनी के हाथों से डील तो जाएगी ही, लेकिन उसकी पूरी दुनिया में बदनामी होगी वो अलग। अब ऐसे में ब्रिटेन की जिद उसे कितनी महंगी पड़ सकती है उसका अंदाजा जल्दी ब्रिटेन को होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ब्रिटेन के सीट इजेक्शन सिस्टम की डील रशिया को दे देनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले एएसवी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।